अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से जुनैद भाई के साथ मौजूद हैं। जुनैद भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और आज की जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ लेके मैं हाजिर हूँ यार, और वो है बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। गेमिंग नहीं, पबजी के लिए मतलब स्पेसिफिक हम टारगेट करने वाले हैं पबजी को। पबजी का स्मार्टफोन 25,000 रुपये के अंदर आपको कौन कौन से बेहतरीन देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हमें तो पता है कि यार कौन कौन से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, अच्छे प्रोसेसर वाइज और रैम वाइज, लेकिन मार्केट का क्या सीन है, मार्केट में क्या चल रहा है, इस चीज़ को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जुनैद भाई के पास मौजूद है, तो बात करते हैं अभी। जुनैद भाई, पहले आप मुझे बता दें कि जो 25,000 की रेंज है, इसमें कितने फ़ोन आते हैं आपके पास? 25,000 की रेंज में देखें, बहुत फ़ोन हैं। हमेशा याद रखें कि आप पहले उसको सर्च करके, अपने घर से जब आप कोई चीज़ लेने जाएं ना, तो उसको सर्च करके जाएं, उसको सर्च करके जाएं, ठीक है? तो उससे होता है कि अब मैं आपको दुकानदार का, अगर कोई ट्रस्टेबल आपका दुकानदार है, ठीक है, आप तो उसके चलो कहने पे ले लो, वरना दुकानदार क्या करते हैं, अपने नफ़े के लिए ना, अपने नफ़े के लिए फिर वो आपको बोलेंगे कि यार ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो, वो आपको फिर वो दे देंगे अपने नफे के लिए। मैं आपको सजेस्ट जो कर रहा हूँ वो फिर भी आप मेरे कहने पे भी देख लीजिएगा, एक बार उसको खुद भी पढ़ लीजिएगा। मैं दो फोन आपको दिखा देता हूँ, बल्कि दो या तीन फोन मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि लिमिटेड रेंज में, ठीक है? अगर आपको देखना है तो मैं ये फोन आपको दिखा दूँ। तो एक ये फोन देखें, ये 6.8 का, ये बेसिकली कैमन टेक्नोपोवा है, ठीक है? और जी हाँ, ये जब लॉन्च हुआ था तो इसकी बड़ी धमाल हुई थी कि भाई गेमिंग फोन है। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि अगर आपको नजर आए तो 6000 इसकी इमेज की बैटरी है, जो गेमिंग के लिए बड़ी बैटरी, अच्छी बैटरी होती है। 6.8 का इसका डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, इसमें 5.5 है। 5.5 का बहुत सारे लोग समझते हैं कि ग्लास होता क्या है, बेसिकली इस पे एक लेयर होती है ग्लास की, ठीक है, जो पतली पतली होती है, जो LCD के अंदर वाली साइड पे लगी होती है, जो कि 5.5 पांच लेयर होती है, जो कि गिरने से टूटता नहीं है, एक एवरेज हाइट से 5 फीट 7 इंच जो बंदे की नॉर्मल हाइट होती है उस साइड से, ठीक है। Helio G80 का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, Helio G80 का प्रोसेसर बेसिकली गेमिंग प्रोसेसर होता है, ठीक है, ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फोन है। कैमरा भी इसका अच्छा, अगर आप देखेंगे तो 13 मेगापिक्सल इसका क्वाड कैमरा है, 6000 इमएच की बैटरी, ऑक्टा कोर Helio G80 का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो एक ये करूंगा, ठीक है जी, टेक्नोपोवा सबसे अच्छा सजेस्ट किया है। दूसरा आ जाए, दूसरा भी एक टेक्नो में, ठीक है, कैमन SE कहलाता है, अगर आप देखें तो मैं दिख रहा होगा आपको कैमन SE, ठीक है। इसका पंच होल डिस्प्ले, अगर इसका डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो नॉच डिस्प्ले होता है जो जिसके सेंटर में होती है, ठीक है, ये पंच होल डिस्प्ले में, ठीक, ये पंच होल डिस्प्ले, फुल व्यू, इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा है, ये G70 का प्रोसेसर है, ये भी गेमिंग के लिए अच्छा फोन है, बुरा नहीं है। 6.8 का डिस्प्ले, अच्छा अगर इसमें चले जाएंगे तो ये अल्ट्रा HD मोड पे 48 मेगापिक्सल का रिजल्ट देता है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कन्वर्ट होता है 48 मेगापिक्सल पे। 18 वोल्ट का इसका चार्जर है, 18 वोल्ट बेसिकली 18 वोल्ट चार्जर लोग समझते नहीं है, तकरीबन 45 से 30 मिनट के बीच में ये चार्ज कर जाएगा। 6.8 का इसका भी डिस्प्ले, बैटरी भी अच्छी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, एंड्रॉइड वर्जन जो है इसका 10 है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, मजीद आगे अपडेट भी होगा, ठीक है। 16 मेगापिक्सल इसका कैमरा, 48 मेगापिक्सल पे इस पर कन्वर्ट होगा रेयर कैमरा इसका, ठीक है जी। ये मतलब दो ही ब्रांड्स में आपके पास मौजूद है, टेक्नो में ही है, मतलब नहीं इसके फोन सारे मिल जाएंगे। एक थोड़ी सी और मैं आपको दिखाता चलो, ये भी इन्फिनिक्स का, ठीक है जी, ये भी इन्फिनिक्स का एक अच्छा फोन है, ये Note 8i है, ठीक है, 6GB 128GB इन्फिनिक्स का, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। ये भी इन्फिनिक्स का G80 का, इसमें ही प्रोसेसर है। जुनैद भाई, एक चीज और मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा, देखें ये थोड़ी सी शायद इख्तलाफी बात भी हो सकती है, लेकिन Note 8i या Note 8 जो आया था वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा था हमारे अतबार से। इसके अंदर हमें देखने के लिए मिला था कैमरा का एक फ्रॉड, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है ना देखने के लिए मिला था, बाकायदा ऑपरेशन भी किया गया था, तो इसके अंदर सिर्फ डुअल कैमरा देखने के लिए मिल रहे थे, अंदर बैक जो है ना उसकी पूरी खुल ही गई थी। बाकी बात ये मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये हमेशा याद रखें कि कोई भी फोन आपको जो 3 कैमरे 4 कैमरे 2 कैमरे 99.9% पूरे 3 कैमरे नहीं होते, वो बेसिकली इतना समझे पढ़े लिखे आप लोग बंदे, बहुत सारे लोग इसको चेक करते थे, एक हाथ रख के एक हाथ चला रहे, एक हाथ रख के एक हाथ चला रहे, एक कैमरा नहीं चल रहा, बेसिकली इस तरह अल्ट्रा HD मोड पे 48 मेगापिक्सल का ये रिजल्ट आपको डिलीवर करता है,
ये तीन कैमरे अलग अलग नहीं होते, ये रिजल्ट आपको डिलीवर करता है, ये प्रोसेस करता है, ये तो ठीक है बात, लेकिन क्या मतलब टेक्नो इन्फिनिक्स से हटके बात नहीं हो सकती इसी रेंज के अंदर? इसी रेंज में आप फिर टेक्नो इन्फिनिक्स पे रियलमी पे आ जाए, रियलमी अगर देखेंगे तो डेफिनेटली रियलमी जो है ना, क्योंकि 8i तो मैं भी आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए टेक्नो, लेकिन ये अच्छा फोन है ऐसी बात नहीं है। अच्छा C21 पे अगर आ जाएं तो Realme C21 है जो आपकी रेंज में भी है, ठीक है। 5000 इसकी इमेज की बैटरी है, फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग इसकी 0.2 सेकंड है, ठीक। अगर ये जाएंगे 13 मेगापिक्सल पे इसका है कैमरा है, ठीक है, ट्रिपल इसमें कैमरा यूज किए गए हैं और 6.5 का इसका डिस्प्ले है, ठीक है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, हमारी दुकान से वारंटी आपको इसी दुकान पर क्लेम होगी भले इसमें कोई भी सेट ले जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ से फोन लेते हैं तो वारंटी के लिए भी आपको जो है सर्विस सेंटर, और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि ले जाने के बाद भी अगर कोई शिकायत लगे विद इन वन डे तो आप मुझे लाके रिटर्न कर सकते हैं विद इन वन डे, ठीक है। और पे जो आप करेंगे इस तरह करेंगे कि मुझे आप पहले चेक करें फिर देन विल बी पे करें, पहले फोन खुलवा के चेक करें, नहीं समझ आए फिर भी छोड़ दें कोई बात नहीं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, पिछले व्यूवर्स ने जितने फोन लिए मुझसे वो सब आपको रिव्यूज देंगे, बल्कि आप रिव्यूज नीचे भी पड़ेगा, और मैं उनका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने रिव्यूज भी अच्छे दिए, उन्होंने मैसेजेस भी किए बहुत सारे को, एक मेरे साथ शिकायत ये है उनको कि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, ठीक। आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं कॉल किया करें, व्हाट्सएप अक्सर व्हाट्सएप में देर से देखता हूँ क्योंकि बिजी इतना होता हूँ, बहुत कॉल आ रही होती है कस्टमर्स की, तो इसी हिसाब से ये बात कर रहा हूँ कि अगर व्हाट्सएप पे ना करूँ तो माइंड नहीं कीजिएगा, लेट रिप्लाई करूँ पर रिप्लाई जरूर करूंगा जी। अच्छा जी, रियलमी में C21 है, C21 है, फिर एक C15 आता है जो कि मेरे पास आने वाला है, C15 भी अच्छा है, सही है। फिर आप रेंज से ऊपर चलेंगे और कम रेंज में अगर आप रियलमी देखना चाहते हैं C11 है, C12 है, ये मॉडल अच्छे हैं। अंदर की रेंज में और कोई गेमिंग फोन अभी अवेलेबल नहीं है? गेमिंग फोन है पर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन करते हैं ना उस तरीके की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, मैं अच्छी गेमिंग की बात कर रहा हूं। ये बात बहुत ज्यादा जबरदस्त है कि देखें हम लोग चाहते हैं गेमिंग फोन लेना, अब गेमिंग फोन में भी हमें कैमरा अच्छा चाहिए होगा, गेमिंग फोन में भी हमें स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगी, ये थोड़ी गलत है, कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है खासतौर पर कैमरे पे या फिर स्टोरेज को लेकर। अब टेक्नो पोवा है, इसके अंदर अगर आपको बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है और आपको बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल रही है, GAT का प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, तो अब आप लोग चाहेंगे कि यार इसकी जो रैम है वो भी हाईफाई हो, तो भाई इसकी डिफरेंट चीज़ें वो भी हाईफाई हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल है, लोग चाहेंगे 64 मेगापिक्सल का मिले तो ऐसा नहीं होगा, तो एक कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बताऊं आगे की वीडियो के लिए जो मैं आपको दूंगा वो व्यूअर्स के लिए कि 17,000 से 20,000 रुपए की तक के या 15,000 रुपए में अच्छा फोन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे लोग नहीं हम जैसे ही लोग होते हैं लेकिन जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं उनको सब चीजों का पता होता है, जो गरीब आवाम होती है ना वो दुकानदार से पिस जाती है, उसको गलत गाइड करके दे कुछ और देता है, गलत गाइड करके दिखाता कुछ और है दे कुछ और देता है, ताकि उनको नॉलेज देने के लिए बेसिकली वो उनके साथ फ्रॉड ना हो या उनके साथ ऐसा ना हो कि वो बेवकूफ बने, वो अपने पैसे जो दे के जा रहे हैं वो अपने हिसाब के पैसे और हिसाब का सेट लेके जाए, तो उस बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करूंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी के लिए हमारे पास 4 स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, जो सारे फोन अवेलेबल हैं गेमिंग के हवाले से under 25,000 rupees, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किस वीडियो के अंदर, ये सारे पबजी के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये पबजी के लिए स्पेशली बात करिए, आने वाली वीडियो उसके अंदर जो है under 30,000 भी बात करेंगे, under 40,000 rupees भी बात करेंगे गेमिंग स्मार्टफोन्स, अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कौन से स्पेसिफिक बजट में देखना चाहते हो वीडियोस, तो वो इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको जरूर कवर करूंगा, ठीक है। तो जुनैद भाई एक बात जो मैंने कहना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में भी कहा था बहुत सारे की कॉल आई मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आए व्यूअर्स के कस्टमर्स के, उन्होंने मुझसे मशवरा किया है, उन्होंने गाइडलाइंस दी, आप फिर भी एक बार कहूंगा आप मुझसे लें या कहीं से भी लें, कम से कम आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि कहीं आपको धोखा ना हो, आपके पैसे भी जायज़ हैं, आप भी जायज़ कमाते हो, हर दुकानदार भी जायज़ कमाता है, लेकिन आप इतने पैसों में जिस रेट की सेट है ना आप बेवकूफ ना बने, आप उस सेट में जैसे आपने 17,000 का फोन लेना है, अब दुकानदार से अगर जाकर आप पूछेंगे 50% या 70% दुकानदार से, हर दुकानदार नहीं 50-70% दुकानदार से, जब आपको पता नहीं होगा ना तो आपको पता 7-8,000-9-10,000 वाले फोन की बड़ी तारीफ करेंगे, फिर जब आप आओगे फिर वो काटेंगे, फिर 2,000 काट दो 3,000 काट दो, फिर रिटर्न करो वो नहीं चल रहा, ये सब बेकार है। बेहतर ये कि पहले ही आप नॉलेज लें या आप पहले फोन कर लें मुझसे पूछ लें, अगर मुझसे जो पूछेंगे उसके रेट वही होंगे, फिर वरना उसका तो क्लेम भी मैं करूंगा आपको, अल्लाह ना करे गलत तो आपको दूंगा नहीं, क्योंकि आप रिव्यू दोगे तो आपसे हमारी दुकान चलती है, रोजी रोटी आपसे ही लगी है, फिर और भी हैं, फिर कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड अच्छी करते हैं,
तो इस वजह से कस्टमर का रिव्यूज भी अच्छा है, आप भी खुश है, तो हमारी दुकान भी हर के साथ पेट जुड़ा है। तो हिसाब से कम आप मुझसे फोन करके मुझसे सजेशन ले लो, कम से कम फोन आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है दिनेश भाई, आज की जो वीडियो थी इसको यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर और भी मजीद टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तब तक ले इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।